गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। समर सीजन, क्वारंटीन, बच्चे घर पे, स्नैक्स एंड स्नैक्स कुछ बना के दो। चलो, तो पिछले वीडियो में आपने रोटी का देखा था, इस बार हम लोग चावल का देखेंगे। चावल के साथ इंस्टेंट स्नैक्स, चावल पड़े हो तो आप फटाफट क्या बना सकते हो, शाम का इवनिंग टी पार्टी फटाफट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको क्या चाहिए, राइस, पुदीना, प्याज, हरी मिर्च और मैंगो, कच्चा मैंगो। मेरे संबंधियों के घर में बहुत सारा आम उन्होंने भेजा, तो मैंने बोला चलो टैंगीनेस के लिए हम लोग आज मैंगो यूज़ करते हैं, मैंगो और लेमन। इस बार हम मटर यूज़ करेंगे इसमें, आप कुछ सब्जियां भी यूज़ कर सकते हो। मैदा, सॉल्ट, चिली फ्लेक्स और कोटिंग के लिए हम इस बार क्या लेंगे, ओट्स। पिछली बार आपने दूसरी चीज ली थी, इस बार हम लेंगे ओट्स। तो पहले हम क्या करेंगे, इस चावल को थोड़ा सा मिक्सी में एक सेमी ग्राइंड करेंगे। तो अभी देखो मैंने थोड़ा सा पानी डाला और दरदरा चावल को थोड़ा सा कर दिया ताकि लगे कि आप चावल की स्नैक्स खा रहे हो। ये ऐसे लग रहे हैं जैसे सुशी राइस नहीं होते, सुशी बना सकते हो वैसे है। तो थोड़ा सा पानी मैंने मिक्सी में पहले डाला ताकि देखो आप चिपकता नहीं, उसका भी एक टेक्निक है, पहले पानी डालो फिर थोड़ा सा चावल डालोगे तो चिपकेगा नहीं मिक्सी के साथ। तो अभी हम दरदरा पीसा है, देखो बिल्कुल पेस्ट नहीं होना चाहिए और बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। अभी हम निकाल लेते हैं एक बाउल में, अभी हम डालते हैं इसमें प्याज, हरी मिर्च, पुदीना। पुदीना एक्चुअली हर चीज़ में डालो तो बहुत ही टेस्टी होता है। और ये जो आम, कच्चा आम, तो मैंगो सीजन है तो आप मैंगो की चीज़ें बना लो, तो यूटिलाइज मैंगो इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो थोड़ा सा हम लोग नींबू का रस भी लेंगे इसमें, टैंगीनेस यानी आम भी लिया है और नींबू भी लिया है। चलो अभी हम थोड़ा सा इस मटर भी डालेंगे। तो मटर को हम थोड़े से मटर भी डालेंगे, वाइट और ग्रीन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। थोड़े से मटर डालो, गाजर डालो, तो आपकी मर्जी, पर मैं मटर डाल रही हूँ। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नमक शमक करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालिए फिर बाद में डाल सकते हो। नमक शमक, नमक शमक डाल देते हैं। फिर हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, रेड एंड वाइट, ब्यूटीफुल लगता है, ठीक है ना। और अब हम बाइंडिंग के लिए, आप पूछोगे क्या, वैसे तो चावल खुद एक बाइंडिंग है, लेकिन हम लोग डालेंगे थोड़ा सा मैदा, एक 1.5 स्पून मैदा, और इसको हम वाटर के साथ बाइंड करेंगे। थोड़ा सा पहले तो ऐसे ही करेंगे, मैं गूंद लिया है इसको, लेकिन चिपकने के लिए, ओट्स के लिए थोड़ा सा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्लाइटली वाटर डालेंगे ताकि जो ओट्स हैं वो थोड़ा अच्छी तरह चिपक जाएंगे। थोड़ा सा पानी, जस्ट थोड़ा सा, ठीक है ना। अगर लगे आपको, फिर से आपने कभी गलती से पानी ज़्यादा डाल दिया, तो आप मैदा ही वापस थोड़ा सा इंक्लूड करोगे, एक 1/2 स्पून, दैट्स ऑल। पर ये देखो करेक्टली हो गया है, ठीक है ना। अभी आराम से ये बन रहा है, ठीक है ना, थोड़ा गीला। तो अभी हम पहले थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, टेस्ट करें। कभी भी कोई चीज़ बनाने से पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा सा टेस्ट जरूर करो। किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, सब स्पाइसेस एंड ऑल देम एब्सोल्युटली करेक्ट। और देखो ये वाइट एंड ग्रीन कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कुकिंग में कॉम्बिनेशंस कितना ब्यूटीफुल होते हैं, वाइट एंड रेड, वाइट एंड ग्रीन, ब्राउन एंड रेड, कितने अच्छे अच्छे कलर्स हैं। ऐसे हम इस बार चावल को ये शेप देंगे, हम स्क्वेयर नहीं देंगे, हम थोड़ा ओवल देंगे। और अब हम इसको रख देते हैं ओट्स के ऊपर। तो पहले हैंड वॉश करके आते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम ओट्स के साथ
पूरा कवर करेंगे। कवर करने के बाद थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हो। जब आपको खाने हो, शाम को चाय के साथ खाने हैं तो आप इसे खा सकते हो, या सुबह के नाश्ते में खा सकते हो। एक डिफरेंट टाइप ऑफ नाश्ता हो जाता है, प्लस स्नैक्स हो जाता है। तो देखो, जैसे मैं इसको रोल भी कर रही हूँ और साथ में इसको थोड़ा सा दबा भी रहे। ऐसे करने के बाद आप अगर स्टोर करके रख लोगे, देखो ऐसे ही स्टोर करके मैं थोड़ा सा इसको प्रेस करूँगी, और बिल्कुल एक के ऊपर एक नहीं, जस्ट थोड़ा अप, ऐसे थोड़ा सा गैप दे के, ताकि वो एक दूसरे के साथ चिपके भी नहीं। थोड़ा सा शेप ऐसे, हम ऐसे स्टोर करके अभी फ्रिज में आप रख लीजिए। इसे डब्बे को, इस डब्बे में ऐसे ही बंद करके, देखो ऐसे रख के आप इसको टाइटली बंद करके फ्रिज में रख दीजिए। तो ऐसे आप अगर फ्रिज में रख दोगे तो जब खाना हो तब प्री हैंड प्रिपरेशंस। मैंने इसको अभी बना दिए हैं और ये फ्रिज में ख़राब भी नहीं होंगे। और सुबह नाश्ते में खा लेना, शाम को चाय के साथ खा लेना, और इसको इस बंद करके फ्रिज में रख। ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं, बहुत सारे रेसिपीज़ हैं, गार्डनिंग के बारे है, बहुत कुछ है। प्लीज़ फॉलो।